नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्ट्रेट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आर्ट एंड कल्चर की सीरीज। दोस्तों ये आर्ट एंड कल्चर की सीरीज को हम लोग नितिन सिंघानिया की बुक से डिस्कस करेंगे। जो भी इसमें कंटेंट दिया हुआ है उसको हम टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं इस सीरीज में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम नितिन सिंघानिया की ही बुक से क्यों डिस्कस करेंगे या फिर आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ को डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात तो नितिन सिंघानिया की बुक से डिस्कस करने का रीज़न है क्योंकि ये बुक जो है वो हाईली रिकमेंडेड बुक है फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे फिर वो UPSC कंडक्ट करवाती हो, SSC कंडक्ट करवाती हो या कोई भी स्टेट PSC कंडक्ट करवाती हो। दूसरी बात ये है कि आर्ट एंड कल्चर का जो वेटेज इंक्रीज होता जा रहा है एग्जाम्स में, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और इसका कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर स्ट्रेस बना हुआ रहता है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तीसरी बात, अब आप बोल रहे होंगे कि आर्ट एंड कल्चर तो आप लोगों के पास ऑलरेडी ये बुक है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जो लोग ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं तो उनके लिए ये फ़ायदा होगा कि वो इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं सारे टॉपिक्स का। एंड फोर्थ एंड लास्ट थिंग इज कि आर्ट एंड कल्चर की जो ये सीरीज़ रहेगी, जिनके पास ये बुक भी है ऑलरेडी, तो आपकी प्रिपरेशन को होलिस्टिक बनाने के लिए इसमें हम लोगों ने बहुत सारे मैप्स और क्या कहते हैं ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है जिसके माध्यम से आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सीरीज कि हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो लेक्चर सीरीज़ आप लोग देख रहे हैं ये हर गवर्नमेंट एग्जाम के हर जो स्टेजेस होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्रिएट की जा रही है, फिर चाहे आप UPSC के लिए करें प्रिपेरेशन या फिर SSC के लिए या फिर किसी भी स्टेट सर्विसेज के लिए, स्टेट PSCs के लिए। और इसमें से आपके प्री और मेंस के हिसाब से जो भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे फैक्ट्सों को हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बताता जाऊँगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताता जाऊँगा, तो इसीलिए आप इस लेक्चर सीरीज को बड़े ध्यान से देखिए। दोस्तों इस स्लाइड से आप मेरे बारे में जान सकते हैं, एक छोटा सा ब्रीफ दिया हुआ है मेरे बारे में। दोस्तों मेरा नाम है आलोक गुप्ता एंड यू कैन गो थ्रू रेस्ट ऑफ द थिंग्स। दोस्तों यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि आपको वैसे तो इसके सारे लेक्चर्स हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन इफ़ इन केस अगर हमारी कोई भी अगर इसका लेक्चर मिस होता है या नहीं मिलता है या किसी कारण से हमें रिप्लेस करना पड़ जाता है तो वो सारे लेक्चर्स आप www.straightzero.in पे पा सकते हैं। उसके अलावा भी इस वेबसाइट पे विजिट करने के और भी फायदे हैं, जैसे कि आप पुराने साल के पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो और कुछ प्रैक्टिस सीरीज़ मैंने क्रिएट की हैं एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, तो उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इंटरैक्टिव रहेगा, सॉल्यूशन के साथ रहेंगी वो सीरीज, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा अनदर एडवांटेजेस कि जो इसमें मैंने PDF इस्तेमाल किया, आर्ट एंड कल्चर की बुक आपके हर किसी के पास होगी लेकिन मैंने जो ये PDF है इसमें काफ़ी क्या कहते हैं इमेजेस और क्या कहते हैं मैप्स का इस्तेमाल किया है, तो उसी के साथ आपको जो अपडेटेड वर्जन है PDF का वो भी वहाँ पे मिल सकता है। उसके अलावा काफ़ी और कोर्सेज भी मैंने क्रिएट किए हैं, जैसे कि जो इन्वायरमेंट वाला है जिसके लिए रिकमेंड किया जाता है शंकर IES वाली बुक, वो मैंने वहाँ पे अपलोड की हुई है उसकी पूरी लेक्चर सीरीज़। उसके अलावा लक्ष्मीकांत के ऊपर पूरी मैंने लक्ष्मी सीरीज़ अपलोड की हुई है। अगर हम बात करें हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री की, तो उसमें जो स्पेक्ट्रम को रिकमेंड किया जाता है वो भी मैंने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है, तो इन सारी सीरीज़ को भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट या क्वेरी आए तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8447022777, आप इसके थ्रू इसके माध्यम से मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरी रिजॉल्व करवा सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो चलिए हैविंग सेड दैट आज का हम ये लेक्चर शुरू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ये। तो दोस्तों जैसा कि इंट्रोडक्शन में देखा, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज गोइंग टू बी ऑन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी। ये जो हमारा पहला वाला चैप्टर है ये हमारे सेक्शन वन का पार्ट है, सेक्शन वन जिसमें हम विजुअल आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। विजुअल आर्ट्स में हमारा आर्किटेक्चर आ जाएगा, स्कल्पचर आ जाएगा, पॉटरी आ जाएगी, फिर उसके बाद हमारी पेंटिंग्स वाला चैप्टर आ जाता है, उसके अलावा डांस एंड म्यूजिक्स वगैरह आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हमें इस लेक्चर में पढ़ना है। शुरू करते हैं। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया, इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है अभी थोड़ी देर में आपको सबको समझ में आ जाएगा। नॉर्मली बिल्डिंग्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है, लार्ज स्केल की जो बिल्डिंग्स होती हैं वो हमारे आर्किटेक्चर में आती है, जैसे कि खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं, ठीक है ना।
तो वो हमारे सारे किस में आ जाएंगे, आर्किटेक्चर में आ जाएंगे। स्कल्पचर्स की बात करें तो ये जो मंदिर के ऊपर मूर्तियाँ प्रतिमाएँ वगैरह बनी रहती है ना, वो स्कल्पचर्स है, यानी जो हैंडमेड 3D फिगर्स वगैरह होते हैं वो स्कल्पचर्स में आ जाते हैं। स्कल्पचर्स में आपके जैसे कि बुद्धा के स्कल्पचर्स हो गए, यक्ष यक्षिणी के स्कल्पचर्स हो गए, उसके अलावा ये है आपका पॉटरी। शुरू करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो आप में से वैसे तो काफ़ी लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूँगा कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में डिफरेंस क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम आर्किटेक्चर नामक शब्द को देखते हैं तो इसका जो रूट वर्ड है वो लैटिन का है, लैटिन से लिया गया है। आर्किटेक्चर जो शब्द है वो लैटिन से ड्राइव किया गया है, जिसका रूट वर्ड है टेक्टॉन। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, जिसकी स्पेलिंग क्या है, TEKTON, जिसका मतलब होता है बिल्डर, यानी जो कुछ बनाता है, ठीक है। और ये जो आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आप अपने लिए रहने के लिए एक घर बनाते हो, वहीं से आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम स्कल्पचर की बात करते हैं तो स्कल्पचर का जो रूट वर्ड है वो प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट है, प्रोटो इंडियन इंडो यूरोपियन रूट, यानी जिसको हम लोगों ने पाई रूट के नाम से यहाँ पे लिख रखा है। रूट वर्ड क्या है वो, KEL, कील। कील का मतलब होता है टू कट और क्लीव, जैसे कि अगर आपके पास एक इरेगुलर शेप का एक पत्थर है, आप उसको अच्छे से काट पीट के कुछ मूर्ति बनाते हो, आइडल बनाते हो, तो ये हमारा स्कल्पचर कहलाता है। स्कल्पचर्स जनरली स्मॉल वर्क्स होते हैं, छोटे छोटे से काम होते हैं, ये हैंडमेड होते हैं या टूल्स की मदद से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा इंजीनियरिंग या मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि आर्किटेक्चर में इंजीनियरिंग और आपके इंजीनियरिंग हो गया, मेजरमेंट्स हो गया, एस्थेटिक्स की बात हो गई, तो उन सब की परवाह करनी होती है। अगर हम इनके डिफरेंसेस देखें तो आप आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का डिफरेंस तीन मेन पॉइंट्स पे कर सकते हो। एक है साइज और स्कोप। आर्किटेक्चर नॉर्मली बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है, जबकि स्कल्पचर किसी भी 3D वर्क ऑफ आर्ट को स्कल्पचर का नाम दिया जाता है, ये जनरली छोटे होते हैं। मटेरियल की अगर बात करें, आर्किटेक्चर में मिक्सचर ऑफ मटेरियल का इस्तेमाल होता है, जैसे कि स्टोन, वुड, ग्लास, मेटल या सैंड, जबकि अगर हम स्कल्पचर की बात करते हैं तो इसमें सिंगल टाइप का ही मटेरियल इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो इसमें अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो आर्किटेक्चर में हमें इंजीनियरिंग की, मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा स्टडी करनी होती है, सो दैट हम एकदम एक्यूरेट या एस्थेटिकली या फिर सेफ्टी वाइज या सिक्योरिटी वाइज आर्किटेक्चर को डेवलप कर सकें। वेयर एज स्कल्पचर में हमें ज़रूरत होती है क्रिएटिविटी की, इमेजिनेशन की। इस प्रिंसिपल पे काम करता है स्कल्पचर का जो काम होता है, जबकि आर्किटेक्चर का जो काम होता है वो इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। किस कॉन्सेप्ट पे, इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट पे, डू रिमेम्बर। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल की बात करें। आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है ताजमहल, रेड फोर्ट, ठीक है। उसी तरीके से जो बहुत सारे हम टेंपल्स के बारे में अभी आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। वेयर एज अगर हम बात करते हैं स्कल्पचर की, तो जो नटराज की मूर्ति है या फिर जो मोहनजोदारो में डांसिंग गर्ल का इमेज मिला था, ये सारे हमारे स्कल्पचर्स में आ जाते हैं। अब अगर आपको आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का डिफरेंस समझ में आ गया हो, तो अब हम बात करते हैं इंडियन आर्किटेक्चर की। इंडियन आर्किटेक्चर जो है वो एक स्टोरी है इवोल्यूशन की। किस चीज़ की स्टोरी है, एक इवोल्यूशन की स्टोरी है। एंशियंट हरप्पा सिविलाइजेशन जो कि 3300 BC से स्टार्ट होता है, और आते आते हमारा जब तक ब्रिटिश साम्राज्य बनता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं गोथिक स्टाइल के बारे में, नियो गोथिक स्टाइल, राइट। तो यहाँ इस पूरे टाइम पीरियड का जो आर्किटेक्चर है वो इवॉल्व हुआ है धीरे धीरे करके। इसमें बहुत सारी इंडिजिनस स्टाइल्स भी देखने को मिलती हैं, कॉन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, मिक्सचर भी देखने को मिलता है। तो अगर क्लासिफाई किया जाए इंडियन आर्किटेक्चर को, तो ब्रॉडली एरा वाइज, यानी अगर टाइम पीरियड वाइज किया जाए, तो तीन पीरियड में कर सकते हो, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशियंट की बात करी जाए तो इसको जनरली जनरलाइज वे में पांच तरीके में आप डिवाइड कर सकते हो। वो पांच तरीके क्या है, हरप्पन आर्ट फॉर्म, यानी हरप्पा में जो हरप्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आर्किटेक्चर था, मौर्यन आर्ट फॉर्म यानी मौर्यन के टाइम पे जो आर्किटेक्चर था, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता एज। और गुप्ता एज कब से शुरू होती है, 320 से शुरू होती है, और ये देख रहे हो आप 3300 BC। फिर मौर्यन आर्ट आती है जो कि आपकी 4th BC के अराउंड लगभग आती है, ठीक है ना। फिर पोस्ट मौर्यन यानी जब मौर्यन साम्राज्य का खत्म हो जाता है, और फिर ये पैरेलली चलेगी इनके साथ आपकी साउथ इंडियन आर्ट। मिडिवल में देखा जाए तो मिडिवल में दो पीरियड के आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है दिल्ली सल्तनत जो कि आपके 1206 से स्थापित की गई थी, ठीक है ना, और ये चलती है 1526 तक, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये स्थापित की गई थी ना। और उसके बाद मुगल आर्ट फॉर्म जो मैंने बताया 1526 से शुरू होती है, तो उस वाले आर्ट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न इंडिया में इंडो गोथिक और नियो रोमन, ये दो स्टाइल फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे।
शुरू करते हैं इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, सॉरी इंडियन बोल रहा हूँ, हरप्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हरप्पा का या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर आप देखना चाहें तो ये इस रीजन में फैला हुआ था, जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ना, तो इस रीजन में ये फैला हुआ था। तो जैसे कि मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन या जिसको हरप्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, ये जो एंशियंट सिविलाइजेशन है, सबसे पहली सिविलाइजेशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ के जो आर्किटेक्चर है या आर्ट है उसमें विविड इमेजिनेशन और आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी देखने को मिलती है, और ये हमें पता चलता है उस टाइम के स्कल्पचर से, जो मैंने बताया ना मूर्तियाँ, सील्स एक तरीके से हो गए आपके स्टैम्प समझ लो, ताबीज समझ लो, वो होती हैं सील्स। पॉटरी से, यानी जो उस टाइम के ये जो बर्तन हुआ करते थे, पॉट्स हुआ करते थे, ज्वेलरी से, इन सब से हमें उस टाइम के विविड इमेजिनेशन और आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी के बारे में पता चलता है। अगर हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो वहाँ पे दो मेजर साइट्स हैं, एक है आपकी हरप्पा, दूसरी है मोहनजोदारो। ये दो मेजर साइट हैं और यही सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट एग्जाम्पल है अर्बन सिविक प्लानिंग की, मतलब इनकी जो उस टाइम की सिविक प्लानिंग थी, सोसाइटी की प्लानिंग थी, वो इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि आज के टाइम की जो सिविक प्लानिंग है कहीं कहीं पे तो वो उसको मैच करती है और कहीं कहीं उसको एक्सीड कर जाती है। किस तरीके से वहाँ पे रोडों का प्लान्ड नेटवर्क था, मतलब रोड्स इस तरीके से थी, एक तो प्रॉपरली लेड रोड्स थी, मतलब वहाँ पे ऐसी कच्ची सड़कें नहीं थी, अच्छी खासी ब्रिक की रोड्स थी, और रोड्स इस तरीके की बनी हुई थी कि मतलब बिल्कुल प्रॉपर 90 डिग्रीज पे वो रोड्स मिल रही थी, तो ये एक चीज़ देखने को मिलती। हाउसेज जो थे वो ब्रिक्स के बने हुए थे अच्छे खासे, कहीं पर सिंगल स्टोरी, कहीं पर डबल स्टोरी। ड्रेनेज सिस्टम मतलब जहाँ से आपका पानी वगैरह बहता है, ड्रेन्स होती हैं जो, तो वो भी बहुत अच्छी थी। वहाँ पे मैन होल्स थे, सिंक होल्स थे, सो दैट उनमें हाइजीन और क्लीननेस को इंश्योर किया जा सके। तो प्लांड नेटवर्क जैसा मैंने बताया, तो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे कितनी ज़्यादा एडवांस इंजीनियरिंग स्किल्स हुआ करती थी। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफ दिया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स के बारे में, ठीक है। ये जो साइट्स हैं इनको आप यहाँ से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको यही सारी साइट्स को मैप पे भी शो कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हरप्पा के बारे में। हरप्पा जो है वो आपका आज के पाकिस्तान में आता है और ये रावी नदी के बैंक पे यानी तट पे बना हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कौन कौन से स्पेशल फीचर देखे गए हैं, तो ग्रैनरीज, दो रो ग्रैनरीज की मिली, मतलब जैसे छः ये ग्रैनरी बना दी, फिर एक और छः ग्रैनरीज यानी जहाँ पे ग्रेन्स रखते हैं, फूड स्टोरेज किया जाता है, तो इस टाइप का सिस्टम था। उसके अलावा स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम, यानी ये यहाँ के हमें रिलीजियोसिटी के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। उसके अलावा स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनी, मदर गॉडेस का फिगर, वीट एंड वाले इन वुडन मोर्टार, ठीक है। उसके बाद डाइस, कॉपर स्केल, मिरर, स्कल्पचर ऑफ डॉग चेसिंग अ डियर इन दी ब्रॉन्ज मेटल, रेड सिन स्टोन मेल टॉर्सो, तो ये सारे यहाँ पे उस टाइम पे पाए गए, ठीक है। तो पेपर में डायरेक्टली आ जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आ जाएगा ग्रैनरीज, रो ऑफ ग्रैनरीज इज फाउंड इन विच ऑफ दी हरप्पन साइट, तो याद रखना हरप्पा में ये चीज़ देखी गई थी, ठीक है। तो स्पेशली अगर बताया जाए कि क्या क्या जो इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना है उसमें से, तो याद रखना एक तो हो गया ये जो ग्रैनरीज मैंने आपको बताया, फिर सिंबल ऑफ लिंगम एंड यूनी, मदर गॉडेस का फिगर, उसके अलावा डॉग चेसिंग अ डियर, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदारो की बात करते हैं, मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में ही है आज के, और ये इंदस नदी के तट पे बना हुआ है। बात करें तो यहाँ पे एक तो सिटाडेल क्या चीज़ है, जैसे मान लीजिए अगर की हुई सिटी प्लानिंग है तो उसमें एक उभरा हुआ ऊंचा सा एक एरिया है, उसको सिटाडेल का नाम दिया गया है। एक तरीके से ये समझ लो ये वहाँ की राजधानी टाइप्स, कि वहाँ पे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं, जैसे आज के टाइम पे 7 जनपथ रोड जो है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वगैरह रहते हैं, ठीक है। फिर ग्रेट बाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोगों ने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी तो आप इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ग्रेट ग्रैनरी मतलब यहाँ पे खाना स्टोर हुआ करता था। पोस्ट क्रीमेशन बुरियल मतलब जहाँ पे क्रीमेट करने के बाद बरी किया जाता है। स्कल्पचर ऑफ बियर्डेड प्रीस्ट, अभी वो आएगा जब हम डिटेल में देखेंगे। फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ दी डांसिंग गर्ल एंड पशुपति सील, ये जितनी भी चीज़ें हैं मोहनजोदारो के बारे में बताया और हरप्पा के बारे में बताया, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोहनजोदारो और हरप्पा कहाँ पे हो गया, पाकिस्तान में हो गया, याद रखना। मोहनजोदारो की अगर हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसकी मैंने जो आपको याद रखनी है, जैसे कि एक तो प्रीस्ट साहब हो गए, उसके अलावा डांसिंग गर्ल का स्टैचू हो गया, पशुपति शील हो गई, उसके अलावा अगर बात की जाए तो ग्रेट बाथ और सिटाडेल, ये पांच चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, धोलावीरा के बारे में आप बात करें तो ये जो लोकेशन है वो, ये जो साइट है वो कहाँ पे है, गुजरात में है। यहाँ पे वाटर रिजर्वायर है, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम है, स्टेडियम, डैम्स, इम्बैंकमेंट्स, इंस्क्रिप्शन,
तो ये सारी चीजें देखने को देखी जाती हैं। पेपर में डायरेक्टली जो प्रीलिम्स या मेंस में जो क्वेश्चन आता है वो किस टाइप का आ जाता है कि आपको जैसे लोकेशन दे दी जाएंगी, हरप्पा दे दिया, फिर आपको धोलावीरा दे देंगे और लोथल दे देंगे, और फिर वहां पे ये दे देंगे या तो वो नदी का नाम दे देंगे या फिर आपको दे देंगे कि किस स्टेट या किस कंट्री में है। तो याद रखना हरप्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान हो गया, धोलावीरा आपका इंडिया में है वो भी गुजरात में, लोथल भी आपका गुजरात में है, ठीक है। तो इस तरीके से लोथल के बारे में एक स्पेशल बात याद रखना कि इसको मैनचेस्टर बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। व्हाट इज मेंट बाय मैनचेस्टर वैसे, चलो एक फैक्ट मैं बताता हूँ, एक फैक्ट आप कमेंट सेक्शन में जवाब देना। मैनचेस्टर जो है वो है आपका यूके में, ठीक है, यानी यूनाइटेड किंगडम्स में है, और ये फेमस बताओ किस चीज़ के लिए। अगर आज के टाइम की बात करूँ तो आज तो ये फेमस है अपने नाइट लाइफ और क्लब्स के लिए, लेकिन उस टाइम पे पहले के टाइम पे ये फेमस था किस चीज़ के लिए था वो आप मुझे बताएंगे। तो लोथल जो है वो गुजरात में है, यहाँ पे यहाँ का जो सबसे रिमार्केबल फीचर है जो आपको याद रखना है वो है डॉकयार्ड। यहाँ पे डॉकयार्ड पाया गया है, यहाँ पे जो रिमेन्स हैं जो क्रीमेटेड रिमेन्स होते हैं उनका बरियल देखने को मिलता है, राइस हस्क, ठीक है, उसके अलावा फायर ऑल्टर्स, पेंटेड जार, मॉडर्न डे चेस, टेराकोटा फिगर ऑफ हॉर्स एंड शिप, ठीक है, हॉर्स और शिप के टेराकोटा फिगर्स मिलते हैं लोथल से। उसके अलावा तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखोगे यहाँ से वो है डॉकयार्ड, उसके अलावा फायर ऑल्टर्स, चेस, टेराकोटा फिगर ऑफ हॉर्स एंड शिप। राखी घड़ी जो साइट है वो है आपके हरियाणा में, हरियाणा में ये लार्जेस्ट साइट है, लार्जेस्ट। उसके अलावा यहाँ पे भी वही इन जनरल वाली सारी चीज़ें मिलती है, नथिंग टू रिमेंबर, बस ये रखो राखी घड़ी कहाँ पे, हरियाणा में। रोपर की अगर हम बात करते हैं, रोपर है हमारे पंजाब में सतलज नदी के तट पर, यहाँ पे डॉग बरीड विथ ह्यूमन ओवल पिट बरियल पाया गया है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कॉपर की एक्स पाई गई है। बलाथल एंड कालीबंगन ये राजस्थान में है, यहाँ पे बंगल की फैक्ट्री, टॉय कार्ड्स और कैमल के बोन्स मिलते हैं, डेकोरेटेड ब्रिक्स मिलती हैं, सिटाडेल और लोअर टाउन मिलता है। तो सिटाडेल दो जगह पे हो गया, एक मोहनजोदड़ो में हो गया और दूसरा कहाँ पे हो गया आपका कालीबंगन में, ठीक है, कालीबंगन और बलाथल ये दोनों जगह कहाँ पे हैं, राजस्थान में है। सुरकोटाडा गुजरात में है, यहाँ पे हॉर्स बोन के रिमेन्स मिले हैं, फर्स्ट टाइम एक्चुअल रिमेन्स मिले, एक्चुअल रिमेन्स, ठीक है। बनावली हरियाणा में है, जो अभी सरस्वती नदी जो सूख चुकी है उसके तट पे था ये बनावली। यहाँ पे टॉय प्लॉ मिला है, मतलब खिलौने वाला जो हल होता है वो मिला है, बाले ग्रीन्स, लेपिस लजूली, फायर ऑल्टर्स, ये सारी चीज़ें मिली हैं। ओनली सिटी विद द रेडियल स्ट्रीट्स, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, क्या है, ओनली सिटी विथ रेडियल स्ट्रीट्स। तो रेडियल स्ट्रीट के साथ मिलने वाली साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी है, दैट इज बनावली। बनावली कहाँ पे है, हरियाणा में है। आलमगीरपुर ये मेरठ यूपी में है, यमुना नदी के तट पर। यहाँ पे अगर बात करें तो ब्रोकन ब्लेड मिली है, मेड अप ऑफ कॉपर, सेरेमिक आइटम्स और क्लॉथ। मेहरगढ़ जो है वो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में मेहरगढ़, और ऐसा माना जाता है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रीकर्सर है, मतलब उससे पहले मेहरगढ़ अपने आप में एक सिविलाइजेशन हुआ करती होगी। पॉटरी और कॉपर टूल्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। क्लियर हो गया, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि मैं आपको ये सारी चीज़ें मैप में भी दिखा दूंगा, तो ये आप अपनी स्क्रीन पे मैप्स देख सकते हो। एक सेकेंड, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एक एक करके सारी लोकेशंस देखते जाइए आप। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए हरप्पा, ये हो जाता है आपका हरप्पा, इज दैट क्लियर। अगर बात करें इंडिया में जिन जो जो साइट में आपको बता रहा था, अच्छा पाकिस्तान में दो बताई थी, हरप्पा और मोहनजोदड़ो, और उसके अलावा एक मेहरगढ़ और बताई थी, तो वो हो गई है। उसके अलावा राखी गढ़ी हरियाणा में है, बनावली, कालीबंगन, ठीक है, रूपर, धोलावीरा गुजरात में है आपकी, ठीक है, तो इसको याद रखना। तो इस तरीके से प्लीज आप इन सारी साइट्स को याद रखेंगे। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर की, एक एक करके क्या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। सबसे पहली बात तो है जो यहाँ के टाउन प्लानिंग का सेंस था,
कैसे? क्योंकि जो टाउन्स बने हुए थे वो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में बने हुए थे, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में, ठीक है, इस तरीके के पैटर्न्स में बने हुए थे आपके टाउन्स। रोड्स जो है वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाती हैं, जो कि राइट एंगल पे कट कर रही थी। बिग रोड्स थी, डिवाइडेड द सिटी इन टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स, यानी जो आज के टाइम में सेक्टर्स होते हैं उस तरीके से। उसके अलावा स्मॉलर लेन्स थी जो कि इंडिविजुअल हाउस या अपार्टमेंट, यानी लास्ट माइल कनेक्टिविटी का भी ध्यान रखा गया था। मेनली यहाँ पे हरप्पन सिविलाइजेशन में तीन टाइप की बिल्डिंग देखने को मिलती हैं। एक है ड्वेलिंग हाउस यानी लोग बागों के घर, पब्लिक बिल्डिंग यानी जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं, पब्लिक बाथ। ये तीन टाइप की बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं हरप्पा में। जो ये बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो ब्रिक्स वगैरह की बनी हुई थी, और ये जो ब्रिक्स थे वो बर्न्ड मड ब्रिक्स थे, यानी अच्छे खासे पके हुए मजबूत ब्रिक्स थे जिनकी डायमेंशन भी स्टैंडर्डाइज्ड थी। मेनी लेयर ऑफ वेल बेक्ड ब्रिक वर लेड आउट एंड देन जॉइंड टुगेदर यूजिंग जिप्सम मोर्टार, यानी जिसका आज के टाइम पे हम लोग सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरीके से ये लोग जिप्सम मोर्टार का भी इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। तो ये सिटाडेल और लोअर सिटी, जो सिटी का प्लान था, सिटी प्लानिंग कुछ इस तरीके से थी, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न तो बता ही दिया, पर उसके साथ साथ इस तरीके का पैटर्न था। एक लोअर सिटी थी जनरल आम आदमियों के लिए, और एक सिटाडेल था जहाँ पे नोबल्स वगैरह रहा करते थे। ठीक है, अप्रेस्ड सिटाडेल। सिटाडेल में क्या हुआ करती थी? एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, ठीक है, ग्रैनरीज जहाँ पे खाने का फूड स्टोरेज होता है, प्लर्ड हॉल्स एंड कोर्टयार्ड, यानी जैसे कोई बहुत बड़े बड़े लोग रह रहे हो इस टाइप की। तो ऐसा माना जाता है कि ये रूलर्स और एरिस्टोक्रेट टाइप के लोगों का घर रहा हुआ करता होगा उस टाइम पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वहाँ पे डू नॉट हैव लार्ज मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर। लार्ज मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर का मतलब जैसे कि इजिप्ट में होते हैं पिरामिड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलते हैं। जो यहाँ पे ग्रैनरीज हैं वो बड़ी इंटेलिजेंटली डिजाइन की गई हैं। क्यों, ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि देखिए, जो ग्रैनरीज हैं उनमें प्रॉपर एयर फ्लो होना चाहिए, अगर वो नहीं होता है तो खाना सड़ सकता है, जो गेहूँ होते हैं वो सड़ सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एयर डक्ट्स थी और रेस्ड प्लेटफॉर्म्स थे, ठीक है। उसके अलावा हरप्पन सिटी का एक और इंपॉर्टेंट रिमार्केबल फीचर, दैट इज पब्लिक बाथ। पब्लिक बाथ, अब इसका कुछ भी पर्पस हो सकता है, या तो ये रिचुअलिस्टिक क्लिनजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, ठीक है, तो इसको याद रखना। दीज बाथ ऑल्सो हैड एन एरे ऑफ गैलरीज एंड रूम्स अराउंडिंग इट, और इसी जो पब्लिक बाथ में सबसे फेमस बाथ है, दैट इज ग्रेट बाथ, यानी एक तरीके से स्विमिंग पूल हुआ करते थे इन शॉर्ट, जो कि मोहनजोदारो में देखा गया है, ठीक है। और ऐसा देखा गया है इनकी, मतलब जो इंजीनियरिंग है वो इतनी शानदार है कि आज तक ये जो ग्रेट बात है ना, उसमें क्रैक है ना ही किसी किस्म का लीक है, जिससे हमें इनकी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज के बारे में पता चलता है। ये फोटो में आप देख सकते हो, लोअर पार्ट की जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे हाउस यानी घर मिलते हैं, और ये जो घर है वो स्मॉल है, वन रूम टाइप के घर हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है ये वर्किंग क्लास के लिए क्वार्टर्स का काम करते होंगे। कहीं कहीं पे कुछ कुछ घरों में एक्सिबिशन के टाइम पे देखा गया कि वहाँ पे स्टेयर्स भी हैं। ये स्टेयर्स हमें ये दर्शाते हैं कि ये घर डबल स्टोरीड रहे होंगे। उसके अलावा वहाँ पे वॉल्स वगैरह बनी हुई है प्रॉपर, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है, बाथरूम है यानी हाइजीन का ध्यान रखा गया है, और वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है। उसके अलावा हरप्पन सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर में जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर है वो है एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। मतलब जो इनका ड्रेन्स थे वो इतने ज़्यादा एडवांस टाइप का था कि जैसे घर से निकलते ही स्मॉल ड्रेन्स हैं, स्मॉल ड्रेन्स को कनेक्ट करने के लिए लार्ज ड्रेन्स हैं, और उसके बाद इनकी रेगुलर क्लीनिंग हो सके तो इनके मेंटेनेंस के लिए सेसपिट्स बनाए हुए गए थे। मतलब पहली बात तो मैन होल्स बनाए गए थे और उसके बाद सेसपिट्स बनाए गए थे। सेसपिट्स क्या होते हैं? जहाँ पे कचरा जो है इकट्ठा होता जाता है। तो ये इनके यहाँ के हाइजीन के बारे में बताते हैं। उसके अलावा यहाँ पे वेल्स देखे गए जो कि ये दिखाते हैं कि ये लोग वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देते थे। बहुत सारे स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि मेसोपोटामिया के जो पीपल थे, जो टिग्रेस और यूफ्रेटिस वैली में रहते थे, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा कहते थे। मेलुहा, ठीक है, क्या बोलते थे? मेलुहा। अब अगर आप मे को क्या कहते हैं मेसोपोटामिया की लोकेशन नहीं मालूम है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। तो ये देख रहे हो आप, ये आज के टाइम का यहाँ पे इराक है, और इराक ये हो गया आपका। तो ये देख रहे हो यहाँ पे आपकी टिग्रेस और यूफ्रेटिस नदी जाती है, ठीक है, तो ये आपका मेसोपोटामिया हो गया, क्लियर है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं स्कल्पचर्स की। तो स्कल्पचर्स जैसा कि मैंने बताया छोटी छोटी मूर्ति वगैरह होती हैं, थ्री डायमेंशनल फिगर्स होते हैं। तो अगर हम हरप्पन सिविलाइजेशन में स्कल्पचर्स की बात करें तो यहाँ पे तीन मेन चीज़ें आती हैं, सील्स, ब्रॉन्ज फिगर्स एंड पॉटरीज।
सील्स यानी जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये यहाँ पे ये सील्स हैं, ब्रॉन्ज फिगर्स हो जाते हैं कुछ, और क्या यहाँ की पॉटरी कैसी है, इन तीनों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से देखेंगे। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे बहुत सारे सील्स मिलते हैं। सील्स एक तरीके से पहचान पत्र समझ लो उस टाइम का, ठीक है, या फिर उसका ताबीज के तौर पे इस्तेमाल करते होंगे। तो यहाँ के जो ये सील्स हुआ करते थे वो हर शेप एंड साइज के देखे गए हैं। ज़्यादातर जो सील्स मिले हैं वो स्क्वायर शेप के, वरना उसके अलावा ट्रायंगुलर भी हैं, रेक्टेंगुलर भी हैं, सर्कुलर भी हैं। ये सील्स बने किसके हैं? स्टेटेटाइट। स्टेटेटाइट एक पत्थर का नाम होता है, ठीक है। तो क्या है उसका नाम? STEATITE, स्टेटेटाइट। सॉफ्ट स्टोन है जो कि रिवर बेड्स के आसपास मिलता है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन मटेरियल है जिसकी सील सबसे ज़्यादा पाई गई है। उसके अलावा भी ये जो सील्स हैं कुछ और चीज़ों की बनी हुई है, जैसे आगेट, चर्ट, कॉपर, फाइंस, टेराकोटा, ठीक है। तो इन सब के नाम आप याद रख लेना, क्या हो गया, आगेट, चर्ट, कॉपर, फाइंस और उसके अलावा टेराकोटा, इन सब की सील्स मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेटेटाइट की। तो ये पेपर में ये गलती मत कर बैठना कि अगर उसमें आए कि ऑल दी सील्स आर मेड अप ऑफ स्टेटेटाइट, नो ऑल आर नॉट, मोस्ट ऑफ दी सील्स आर मेड अप ऑफ स्टेटेटाइट, ठीक है ना। मोस्ट सील जो है उनके ऊपर पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जैसे ये देख रहे हो कुछ लिखा हुआ है इस पे, तो ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, मतलब पिक्चर्स की मदद से कुछ बताने या लिखने की कोशिश की है ये इस, जैसे आज हमारी जो हिंदी है वो किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है? देवनागरी, देवनागरी में लिखी जाती है, राइट। तो इनके टाइम पे जो स्क्रिप्ट चलती थी दैट इज पिक्टोग्राफिक, और इसको अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए हम लोग, डेसिफर यानी समझ नहीं पाए हैं। और ये जो स्क्रिप्ट है वो वाई डायरेक्शनल राइटिंग में लिखी जाती थी, मतलब पहले राइट से लेफ्ट में लिखते हैं फिर लेफ्ट से राइट में लिखते हैं। तो इस तरीके से जैसे यहाँ से लिखना शुरू करेंगे ए एल ओ के, फिर उसके बाद यहाँ तक और फिर उसके बाद ऐसे, ये इसका ऑर्डर होता था। तो वाई डायरेक्शनल टाइप की ये स्क्रिप्ट हुआ करती थी। उसके अलावा ये जो सील्स हैं इन पे एनिमल फिगर्स देखे गए हैं, ठीक है, एनिमल इंप्रेशंस देखे गए हैं, जनरली 5 विच वर कार्ड। तो ज़्यादातर सील्स में यही कॉमन 5 एनिमल्स देखे गए हैं। कौन कौन से हैं ये 5? एक है यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न एक सिंग वाला आप ये समझ लीजिए काऊ, ठीक है, हम्ड बुल, राइनोसोरस, उसके अलावा टाइगर एंड एलिफेंट, बफेलो, बाइसन, गोट, मार्कोर, आईबेक्स, क्रोकोडाइल, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादातर देखे गए हैं, लेकिन कोई किसी भी सील पे काऊ के मोटिफ नहीं देखे गए। तो ऐसा माना जा, ऐसा सोच सकते हैं हम लोग कि उस टाइम पे काऊ शायद होती नहीं होगी या ये लोग जानते नहीं होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया सील्स जो हैं, सील्स में एक तो इंस्क्रिप्शन है यानी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, एनिमल के मोटिव्स हैं यानी एनिमल की पिक्चर्स वगैरह हैं, उसके अलावा ह्यूमन के भी फिगर्स देखे गए हैं जैसे कि पशुपति की सील्स के ऊपर। उसके अलावा ये लोग जो सील्स होती थी वो इतनी मोटी हुआ करती थी कि एक तो फ्रंट साइड, बैक साइड और एक जो इनकी ये वाली साइड है ना, तो यहाँ पे भी वो लोग कुछ ना कुछ लिख देते थे, ये थर्ड साइड है, ठीक है। सील्स आर प्राइमरी। अब इनका पर्पस क्या था जो सील्स ये बनाते थे? या तो कमर्शियल पर्पस हो सकता है, कमर्शियल पर्पस यानी एक तरीके से कमर्शियली ये दिखा के आपको कोई सामान मिलेगा, ऐसा समथिंग कम्युनिकेशन पर्पस हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो सील्स हैं वो मेसोपोटामिया, जो मैंने बताया कि इराक, ईरान वाले जो अपना मिडिल ईस्ट वाला एरिया है वहाँ पे भी ये जो सील्स हैं पाई गई हैं, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम का जो ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था। सील्स विद अ होल, कुछ सील्स ऐसी मिली हैं कि उनके पीछे या उनके ऊपर कुछ ऐसे होल टाइप का बना दिया गया है, तो उससे हमें ऐसा लगता है कि ये जो सील्स हैं वो एम्यूलेट्स यानी ताबीज के तौर पे, एम्यूलेट माने क्या होता है, ताबीज, तो ताबीज के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। उसके अलावा इन पे कुछ मैथमेटिकल इमेजेस भी पाई गई हैं, तो ऐसा लगता है कि इन सील्स का एजुकेशनल पर्पस के तौर पे भी इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि उस टाइम पे पेपर की तो डिस्कवरी हुई नहीं थी, तो हो सकता है इन्हीं सील की वो इस्तेमाल से पढ़ाने जैसा कुछ काम करते होंगे। कुछ सील पे रिलीजियस सिंबल भी मिले हैं जैसे स्वास्तिक का डिज़ाइन, ठीक है। तो इन्हीं फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो सील्स हैं दीज आर दी फीचर्स फाउंड इन दी इंडस वैली सिविलाइजेशन, 3-4 फीचर लिखे होंगे और फिर आपसे बोलेंगे चूज 1 और 2, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल अगर सील्स की बात करें तो पशुपति सील या फिर यूनिकॉर्न सील। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो पशुपति की जो सील है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, मिली कहाँ पे? मोहनजोदारो में। किस चीज़ की बनी हुई है? स्टेटेटाइट की। इसमें एक ह्यूमन फिगर है जिसको आप ह्यूमन फिगर समझ सकते हो या कोई देवता यानी डाइटी समझ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ये इसके जो पशुपति है वो 3-horned हेडगियर पहने हुए, मतलब मुकुट है जिसके ऊपर 3 horn बने हुए हैं और चारों तरफ एनिमल्स हैं।
एलिफेंट है, टाइगर है लेफ्ट साइड में, राइनोसोरस और बुफेलो है राइट साइड में, ठीक है। तो एलिफेंट और टाइगर, यहाँ पे आपका जो वो फिगर है वो बैठा हुआ है, और उसके अलावा फिर इस तरफ है आपका राइनोसोरस और बफेलो, क्लियर हो गया। दो नीचे की तरफ एंटीलोप है, एंटीलोप यानी हिरन, दो नीचे की तरफ हिरन है। तो इस टाइप की ये सील है, कहाँ पे मिली, मोहनजोदारो में मिली। किस चीज की बनी हुई है, STEATITE, स्टेटेटाइट की में बनी हुई है, क्लियर है। ये रही वो सील जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये रहा थ्री हॉर्न हेड गियर, ये रहे आपके राइनोसोरस और एलिफेंट, एलिफेंट बफेलो, ठीक है बोल, और यहाँ पे आपके एंटीलोप रहे नीचे की तरफ, ये यूनिकॉर्न सील है दूसरा एग्जाम्पल। अब करते हैं बात, जैसे कि मैंने बताया यहाँ के स्कल्पचर में हमें सबसे पहली चीज क्या देखने को मिलती है, सील्स। दूसरी चीज क्या देखने को मिलती है, ब्रॉन्ज के फिगर्स यानी तांबे के फिगर। तो ये जो है ब्रॉन्ज कास्टिंग हरप्पन सिविलाइजेशन में वाइड स्केल में प्रैक्टिस की जाती थी, और जिस मेथड का इस्तेमाल किया जाता था उस मेथड का नाम है लॉस्ट बैग्स टेक्निक। ये तो नाम पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या करते होंगे, पर इसी का टेक्निकल नेम भी है सिरे परड्यू, CIRE सिरे परड्यू, सिरे परड्यू। इसमें करते क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एक वैक्स का यानी मोमबत्ती का जो वैक्स होता है ना उसका एक फिगर बनाते हैं, उसके ऊपर फिर वो क्ले चढ़ा देते हैं, गीली मट्टी चढ़ा देते हैं और उसको सूखने देते हैं। एक बार जब वो सूख जाती है तो फिर उसको वो गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद क्या होता है जो अंदर की वैक्स होती है वो पिघल जाती है, उसको बाहर निकाल देते हैं और उसके अंदर वो ब्रॉन्ज पिघला मतलब लिक्विड मोल्टन मोल्टन ब्रॉन्ज डाल देते हैं और फिर उसको सूखने देते हैं। एक बार जब वो सूख जाता है तो फिर उस मिट्टी को तोड़ देते हैं और फिर वो आपका जो ब्रॉन्ज फिगर है वो बन जाता है, क्लियर है। तो ये पूरी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था जिसको सिरे परड्यू बोला जाता है। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली है मोहनजोदारो में और ब्रॉन्ज बुल मिला है काली बंगन में। अब आपको पता होगा काली बंगन कहाँ पे है, चलिए कमेंट सेक्शन में बताना, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने आपको। तो याद रखो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल कहाँ पे मिली है, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो किस नदी के तट पे है, याद आ रहा है अब, मोहनजोदारो है आपका किस पे है, इंदस नदी पे, कहाँ पे है, पाकिस्तान में। काली बंगन कहाँ पे है ये आप बताइए, जिसमें हमें ब्रॉन्ज का बुल मिलता है यानी तांबे का एक बैल मिलता है काली बंगन में, ठीक है। डांसिंग गर्ल जो है, डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदारो में मिलता है, ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर है फाउंड इन मोहनजोदारो, ठीक है। ये 4 इंच का एक फिगर है, 4 इंच का फिगर है जहाँ पे एक नेकेड लड़की, ये वाला फिगर की बात मैं कर रहा हूँ, और जिसने ऑर्नामेंट्स कुछ पहन रखे हैं, उसके अलावा बेंगल्स हैं राइट हैंड में, ताबीज पहन रखी है, ब्रेसलेट पहन रखा है, ये देख रहे हो ब्रेसलेट है ये। उसके अलावा ये त्रिभंगा डांसिंग पोस्चर में खड़ी हुई है, त्रिभंगा डांसिंग पोस्चर में। तो ये हो गए दूसरी चीजें, हमने सबसे पहले सील्स की बात कर ली, फिर हमने ब्रॉन्ज आर्टिकल्स यानी ब्रॉन्ज फिगर्स के बारे में बात कर लिया। अब तीसरा जो यहाँ के स्कल्पचर में बात करें, सो दैट इज अबाउट दी टेराकोटा फिगर्स। टेराकोटा एक तरीके से किस चीज को कहते हैं, जो क्ले होती है, मट्टी होती है ना, उसको जब आग के साथ बेक करते हैं और उसके बाद जो स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं उसको टेराकोटा बोलते हैं। अब ब्रॉन्ज स्कल्पचर के अगर हम कंपेरिजन में बात करें तो जो टेराकोटा के स्कल्पचर्स हैं वो गिनती में बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम, वेरी लेस, ठीक है। और उसके अलावा क्रूड भी हैं शेप में, मतलब ज़्यादा क्लैरिटी, ज़्यादा अच्छी अच्छे से नहीं बनाए गए हैं, और इनको बनाया गया है पिंचिंग मेथड की मदद से। किस मेथड से, पिंचिंग मेथड की मदद से बनाए गए हैं। और ये अगर हम बात करें जो टेराकोटा के फिगर्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, गुजरात की साइड्स में और कालीबंगन में। गुजरात में कौन सी साइड थी, याद आ रही है, लोथल, तो धोलावीरा, तो ये साइड्स आपकी हैं गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात, कालीबंगन, कालीबंगन अपने आप में एक साइट है। तो टेराकोटा वॉज जनरली, जो टेराकोटा होता है वो उसका इस्तेमाल किस चीज़ में करते थे ये लोग, या तो कुछ खिलौने बनाने में, एनिमल के फिगर्स बनाने में, मिनिएचर कार्ड्स बनाने में, या व्हील्स बनाने में, ठीक है। अगर टेराकोटा फिगर में बात करें तो एक तो मदर गॉडेस और उसके अलावा मास्क ऑफ हॉर्न्ड डाइटी, ये दो चीज़ें पाई गई हैं। तो पेपर में डायरेक्टली आ सकता है जो डांसिंग गर्ल है वो जो है वो किस चीज़ की बनी हुई है, टेराकोटा का फिगर है या फिर क्या कहते हैं ब्रॉन्ज का फिगर है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको याद रखना है डांसिंग गर्ल जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज फिगर, ठीक है।
मदर गॉडेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जिसको ऐसा समझा जा सकता है कि ये फर्टिलिटी के लिए वर्शिप की जाने वाली ये कोई डाइटी रही होंगी। अब बात कर लेते हैं इनके, हम जब स्कल्पचर्स की बात कर रहे हैं तो पॉटरी के बारे में, और ठीक है पॉटरी यानी जो हम मटके वगैरह बनाते हैं उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो जो यहाँ की पॉटरी है वो बहुत सारी साइट से मिली है और उसको क्लासिफाई की कर सकते हैं हम लोग दो तरीके से, एक तो प्लेन पॉटरी मिलती है और दूसरी पेंटेड पॉटरी मिलती है। पेंटेड पॉटरी जो है वो है आपकी रेड एंड ब्लैक पॉटरी। रेड एंड ब्लैक पॉटरी यानी जो रेड बैकग्राउंड है और ब्लैक कलर से उसके ऊपर कुछ बना हुआ है, ठीक है एक सेकेंड मैं उसको बना देता हूँ। तो जैसे ये रेड कलर का बैकग्राउंड है, ये रेड कलर का बैकग्राउंड बना दिया मैंने अपने मटके के ऊपर, ये मेरा मटका है ठीक है, और उसके ऊपर फिर ये लोगों ने क्या किया हुआ है ब्लैक कलर से कुछ कुछ बना रखा है। तो इस टाइप की पॉटरी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। इट इज यूज्ड एज इट इज यूज्ड रेड कलर टू पेंट द बैकग्राउंड एंड ग्लॉसी ब्लैक पेंट। तो ये ब्लैक पेंट और रेड कलर, फाइन। अब इन पे क्या बना हुआ होता है, कौन कौन से डिजाइन या फिगर्स बने हुए होते हैं, तो जैसे कि पेड़, पक्षी, एनिमल फिगर्स, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, ये बने हुए होते हैं। तो ये पॉटरी के बारे में अगर आ जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉटरी, तो दो टाइप की पॉटरी मिलती है, प्लेन पॉटरी और पेंटेड। पेंटेड पॉटरी जो है वो रेड और ब्लैक कलर से बनी हुई होती है, ब्लैक कलर से फिगर्स होते हैं और रेड कलर का बैकग्राउंड होता है। यहाँ की जो पॉटरी है वो ज़्यादातर व्हील मेड वेयर्स हैं, मतलब यानी जो व्हील की मदद से जो पॉटरी बनाई जाती है उसके बने हुए हैं। कुछ एग्जाम्पल बात करें तो पॉलीक्रोम पॉटरी जो पाई गई है लेकिन बहुत ही कम है। अब बात करते हैं इस पॉटरी का ये लोग इस्तेमाल किस चीज़ में करते थे, तो तीन इस्तेमाल जनरली बताए जाते हैं। एक तो हाउस होल्ड पर्पस यानी पानी अनाज वगैरह रखने के लिए, दूसरा डेकोरेटिव पर्पस के लिए, ठीक है डेकोरेटिव, और तीसरा जो आपकी लिकर होती है उसको स्ट्रेन करने के लिए यानी परफोरेटेड, उसमें क्या होते हैं होल्स होते हैं तो परफोरेटेड। तो ये तीन इसके पर्पस होते हैं इनकी पॉटरी के। ये रही पॉटरी का, आप यहाँ पे फिगर्स देख सकते हो, ये रेड एंड ब्लैक पॉटरी और ये है परफोरेटेड जिसमें लिकर को स्ट्रेन किया जाता था। अब अगर बात करें यहाँ के ऑर्नामेंट्स के बारे में, ठीक है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऑर्नामेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स मिले हैं जो ऑर्नामेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये प्रीशियस मेटल के बने हुए हैं, जेम स्टोन्स के बने हुए हैं, बोन्स यानी जो हड्डियाँ होती हैं उसके बने हुए हैं, बिग क्ले के बने हुए हैं, और जो ऑर्नामेंट्स हैं वो बाइसेक्स मतलब वो सॉरी यूनिसेक्स है, मतलब बोथ मैन और वुमेन दोनों ही उसका इस्तेमाल करते थे। नेकलेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स और फिंगर रिंग्स। उसके अलावा अगर औरतों की बात करें तो गर्डल्स, ईयर रिंग्स, एंकलेट्स, तो ये यहाँ पे ऑर्नामेंट्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, कुछ बीड्स मिलती हैं जो कि कॉर्नेलियन की बनी हुई हैं, क्वार्ट्ज की, स्टेटेटाइट की बनी हुई हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई गई हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो ये फैक्ट्री है, बीड की फैक्ट्री या ऑर्नामेंट की फैक्ट्री बात करें, तो ये दो जगह पर देखी गई हैं, एक छनहूदारो और दूसरी लोथल। दोनों ही जगह कहाँ पर हैं, अपने गुजरात में आ जाती हैं, ठीक है छनहूदारो और लोथल में। उसके अलावा अगर हम बात करें इनके कपड़ों के बारे में, फैब्रिक के बारे में, तो जो ये हरप्पन्स होते हैं वो कॉटन और बुल का इस्तेमाल करते थे, कॉटन और बुल का, ठीक है जो कि रिच और पुअर दोनों के दोनों ही उसी को ही पहनते थे। उसके अलावा तो इससे हमें ये पता चलता है यहाँ के जो लोग हैं वो फैशन कॉन्शियस भी थे, क्योंकि कुछ एक्सपेंसिव फाइंस एज वेल एज चीप क्ले वगैरह से बने हुए स्पिंडल्स और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था लोकेशन इसकी कालीबंगन सॉरी छनहूदारो और लोथल की, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हरप्पा में ये ह्यूमन रिमेन्स मिल रहे हैं। कालीबंगन ये हो गया आपका जहाँ पे फैक्ट्री सॉरी कालीबंगन में आपको मैंने बताया था ना कि डेजर्टेड सिटाडल वगैरह भी मिला है। छनहूदारो जहाँ पे फैक्ट्री मिलती है अपनी, लोथल जहाँ पे डॉकयार्ड मिलता है अपना, ये रहे वो ऑर्नामेंट्स। उसके अलावा एक बस्ट मिला है, बस्ट मतलब ऊपर के पोर्शन का जो पार्ट है उसको बस्ट बोलते हैं। तो एक बियर्डेड प्रीस्ट का बस्ट मिला है जो कि एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है स्टोन फिगर्स का इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, तो ये उसकी फोटो रही, उसके बारे में पढ़ लीजिए बियर्डेड प्रीस्ट के बारे में। ये जो फिगर है उसके अलावा बियर्डेड प्रीस्ट के फिगर के अलावा एक और फिगर मिलता है मेल टॉर्सो का, जो कि रेड सैंडस्टोन फिगर है। ये भी एक रॉक स्कल्पचर का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, ये रहा वो मेल टॉर्सो। अब इसी के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा आर्ट एंड आर्किटेक्चर समाप्त होता है। ठीक है, हमने वहाँ पे स्कल्पचर्स देख लिए,
वहाँ पे हमने अगर हम बात करें आईबीसी में तो सारी मेजर साइट्स देखी, उन साइट्स में क्या बड़े बड़े आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलते हैं उनके बारे में बात की। उसके अलावा हमने बात की सील्स, कौन कौन सी सील्स मिलती हैं, मतलब ये स्कल्पचर्स में ही आ जाती हैं आपकी सील्स। ब्रॉन्ज फिगर्स देख लिए, फिर उसके बाद टेराकोटा के फिगर्स देखे, है ना। उसके बाद हम लोगों ने बात की इनकी पॉटरी की, पॉटरी के बाद हम लोगों ने बात की इनके ऑर्नामेंट्स की, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर है वो समाप्त होता है। अब आते हैं, अब जो यह है अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या है, ये वाला जो लेक्चर है काफ़ी बड़ा है, तो आज हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर था वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर और ये जो सीरीज़ है काफ़ी पसंद आ रही होगी। दोस्तों इस लेक्चर को इत्मीनान के साथ और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखने के लिए, अपना समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे या आपको कोई क्वेरी हो या फिर आपके पास कोई सजेशन हो जिसकी माध्यम से हम इस लेक्चर सीरीज़ को और ज़्यादा अच्छा और उम्दा बना सकते हैं, कम्प्लीट बना सकते हैं, तो आपके सजेशन वेलकम है। आप मुझे अपने सजेशन, क्वेरीज या कॉमेंट्स इस ईमेल आई डी पे straightzero1990@gmail.com पर लिख सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन दस विदानियां।